कहते हैं कि अगर आप अपनी विरासत को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे तो दूसरा उसे आपकी नजरों के सामने से लेकर चला जाएगा और आप चुपचाप देखते रह जाएंगे। भोजपुरी के पास विरासत में काफी कुछ मिला है लेकिन आज हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। शायद ही कोई भोजपुरी फिल्मों का प्रेमी होगा जो संजय पांडे जैसे बेहतरीन कलाकार के नाम से परिचित ना हो। संजय पांडे जितने अच्छे कलाकार हैं असल जिंदगी में भी उतने अच्छे इंसान हैं और वे अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। संजय पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपने दिल के दर्द का इजहार किया है और यकीन मानिए कि हर भोजपुरी समझने और हर भोजपुरी बोलने वाले तथा हर वह व्यक्ति जिसकी मातृभाषा भोजपुरी है वह इसे पढ़कर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। वह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई हमने अपने हाथ से कितना कुछ यूं ही जाने दिया। कभी उसके बारे में हमने और हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माताओं ने सोचा तक नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। संजय पांडे जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े चेहरे हैं, एक बड़े नाम है, उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भोजपुरी इंडस्ट्री के निर्माताओं पर एक प्रकार से तंज कसते हुए कहा कि गंगा जल, अपहरण, शहर, स्त्री, मैडम चीफ मिनिस्टर, जबरिया जोड़ी और खासकर सुपर 30, ये भोजपुरी फिल्मों के विषय थे। पर हमारी गोद से बच्चा वो उठाकर ले गए और हम साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में उलझे रहे। हो सकता है बहुत जल्द बाबू कुंवर सिंह और अब्दुल हमीद पे भी हिंदी में फिल्में बन जाएं और हम सिर्फ हॉल में बैठ के तालियां बजाएं। वेब सीरीज से लेके हिंदी फिल्मों तक सबकी नजरें यूपी और बिहार की कहानियों पे है, बस जो वहां के मेकर हैं उनकी नहीं है। वो पता नहीं कौन से देश गए हैं कहानी खोजने। अगर आपने इसे जरा भी महसूस किया होगा तो आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने कितना कुछ अपने हाथ से यूं ही मुफ्त में जाने दिया है। हमारे फिल्म निर्माताओं की नजरें केवल कुछ पहले से तय कहानियों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उसी पर टिकी हुई हैं। वहीं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से कहानी खोजकर बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्में बनाई जा रही हैं और हिंदी में वेब सीरीज बनाया जा रहा है। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर हमारे निर्माता चाहें तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम भोजपुरी के दर्शकों के पास कुछ बढ़िया नहीं ला सकते? और यकीन मानिए कि अगर हमारे निर्माता दर्शकों के सामने कुछ ऐसा बढ़िया लेकर आते हैं तो लोग उसे पसंद भी करेंगे। जब हमने संजय पांडे जी के पोस्ट को देखा तो मुझे लगा कि अब अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर से ऐसी आवाज उठ रही है तो निश्चित रूप से भविष्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और हमारा भी काम है कि हम अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचारित करें। एक बार खुद सोचिए कि अगर हम इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं, अगर हमारे भोजपुरी फिल्म के निर्माता इस प्रकार की कहानियां लाते हैं तो क्या हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बाकी क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती है? अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री मजबूती से खड़ी होगी तो इसका फायदा भी सीधा हमारे अपने लोगों को मिलेगा। वैसे शायद भोजपुरी में अब बदलाव आएगा और इसी का एक उदाहरण है वेब सीरीज लॉकडाउन। वेब सीरीज लॉकडाउन मजदूरों के पलायन की पृष्ठभूमि पर तैयार किया जा रहा है। इस वेब सीरीज में संजय पांडे के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू और मनोज टाइगर, जिन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बतासा के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे चेहरे नजर आने वाले हैं। हमें चाहिए कि अगर कोई ऐसा वेब सीरीज या फिल्म आए तो हम खुद उसे लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि यह भोजपुरी में बदलाव हो रहा है। संजय पांडे जी की तरफ से आज जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है, अगर उससे भोजपुरी फिल्मों के निर्माता सीखना चाहें तो काफी चीजें सीख सकते हैं और आने वाले दिनों में भोजपुरी को कई अच्छी फिल्में भी दे सकते हैं। अब वह समय आ गया है जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने सीमित दायरे से बाहर निकलकर सोचना होगा। हम आपसे चाहेंगे कि संजय पांडे जी ने जो कुछ कहा है उसे भोजपुरी के निर्माताओं तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।